अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप यू गाइस डूइंग आर वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल और अनदर व्लॉग। आज जो मैं आप लोगों के लिए व्लॉग लेके आई हूँ अगेन, उसकी बहुत ज़्यादा फरमाइश आई थी मेरी लास्ट वीडियो पे, सो आप लोगों ने बहुत पसंद की। सो मैंने डिसाइड किया कि मेरे पिछले वाले तो वो ख़त्म हो गए हैं बॉल्स, अगेन बनाने हैं, तो मैं अगेन आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। जो चीज़ें लास्ट टाइम मिस हो गई थी, इस बार उन चीज़ों को भी ऐड करेंगे। सो जी गाइस, मैं बात कर रही हूँ पिनियों की, जो अलसी बॉल्स होते हैं उनकी। आज मैं उनमें क्या क्या ऐड करने वाली हूँ वो आपको बता दूँ। पहले सबसे पहले तो है ये अलसी, ठीक है। उसके बाद आ गई ये वाली दाल है, उसके बाद आ गई ये सौंफ है, ये भी लास्ट टाइम स्किप हुई थी, और उसके बाद ये वाले चने हैं, और फिर ये बादाम है, ये है पिनट है, और ये जो हैं ये फूल महाने हैं, उसके बाद ये वॉलनट्स हैं, अखरोट के साथ साथ ये वाले भी हैं। ये दोनों को मिला के मैंने एक कप के यानी एक कटोरी के आसपास लिया है दोनों चीज़ें, और लास्ट पे है ये सूजी। ये सभी चीज़ें हैं जो मैंने ऐड करनी है, और इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी, ये बहुत ज़रूरी है। पहले इन सबको वन बाय वन मैं जो है बटर में, आप लोगों के पास कोई भी घी जो आप देसी घी है अगर, या कोई और किसी किस्म का ऑयल है, लास्ट टाइम मैंने इस ऑयल में बनाए थे, ये भी बहुत अच्छा ऑयल है। तो अब मैं बटर में बनाऊंगी। और एक चीज़ जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी वो ये है कि ये बहुत ज़रूरी हैं, इनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं खुद भी नहीं खाती हूँ, और फिर बच्चों से मैं क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि बच्चे खाएँ। सो जब इनको मिक्सी में अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में बन जाएंगे, बॉल्स बन जाएंगे, बच्चों को नहीं पता चलना इसमें क्या क्या ऐड है, और मुझे भी नहीं याद रहना इसमें क्या क्या ऐड है। सो ये एक अच्छी चीज़ है, बहुत ज़रूरी है। आजकल आप लोगों को पता है खुराक बिल्कुल अच्छी नहीं है, हर चीज़ जो है आर्टिफिशियल आ रही है, और इन चीज़ों को खाना बहुत ज़रूरी है। ताकतें तो पहले वाली तो है ही नहीं है, हम में नहीं है, बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ मदर, तो हमारे बच्चों में क्या होंगी। सो अच्छे पेरेंट्स बने तो ये चीज़ों का एहसास मुझे नहीं आइडिया कि बाहर आने के बाद ही होना था। सो जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो मैंने लास्ट टाइम भी बना के दिए हैं बच्चों को, यानी दिस सीज़न ही मैंने स्टार्ट किया है। लास्ट टाइम जो बनाए थे बॉल्स, अलसी बॉल्स, वो फिनिश हो चुके हैं ख़त्म, बच्चों को माशाल्लाह पसंद आए, मैंने भी खाए, और अब मैं दोबारा से बना रही हूँ और आप लोगों के साथ दोबारा से शेयर कर रही हूँ। अगेन जो चीज़ें स्किप थी इस बार सभी ऐड कर रही हूँ। सो चले वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, आई थिंक सूजी को कर लेते हैं ब्राउन, और वो बड़ी ज़रूरी है। अच्छा, मीठे के लिए आप ऐसा करें, मैं इसमें यूज़ करूँगी मिश्री, और उसके बाद बॉल्स को असेंबल करने के लिए, उनकी बाइंडिंग के लिए मैं गुड़ का सिरप यूज़ करूँगी, सीरम, गुड़ सीरम यूज़ करूँगी। तो आप लोग कोशिश करें कि चीनी से अवॉइड ही करें, गुड़ शक्कर तो आप लोगों के पास अवेलेबल है तो आप उसी को प्रेफर करें, और शुगर इसमें ऐड ना ही करें तो अच्छी बात है। सो हम चलते हैं वीडियो, बातें ज़रा कम करूँगी क्योंकि हमेशा वीडियो लॉन्ग चली जाती है, और फिर आप लोग पूरी वॉच भी नहीं करते तो फ़ायदा ही नहीं होता वीडियो अपलोड करने का। सो कोशिश करूँगी कि मेन मेन पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाएँ। तो अभी मैंने थोड़ा बटर ज़्यादा लिया है बिकॉज इसमें सूजी को मैंने करना है फ्राई, थोड़ा सा उसका कलर चेंज करने के बाद हम नेक्स्ट को, यानी हर चीज़ जो हम इसमें ऐड करें सबको बारी बारी हम लोगों ने इसी तरह थोड़ा थोड़ा सॉटे करना है, थोड़ा थोड़ा ब्राउन करने के बाद हमने उसको मिक्सी में पाउडर फॉर्म में रेडी कर लेना है। सो इंशाल्लाह अब मैं आपको पाउडर फॉर्म में रेडी करने के बाद बताती हूँ कि आगे हम क्या करेंगे। अभी तो मैंने आपके साथ सभी इन्ग्रीडियंट्स जो हैं वो शेयर कर दिए हैं कि क्या क्या चीज़ मैं इसमें ऐड करूँ। एक कप के आसपास मैंने, आप एक कप समझ लीजिए, एक कप सूजी ऐड की है। जब ये अपना कलर चेंज कर लेगी इस पॉइंट पे हमें इसे बाहर निकाल लेना है, और जो आपका नेक्स्ट है उसको आपने इसमें रोस्ट कर लेना है। अब मैंने इसमें ये ऐड कर दिए हैं फूल मखाने, और ये बहुत थोड़े से ऐड किए हैं, तो ज़्यादा नहीं ऐड किए, ये भी एक बाउल के आसपास ही, कटोरी के आसपास ही हैं, और ये भी बिल्कुल आपने अच्छे से ब्राउन करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं करने, आपको आइडिया हो जाएगा। और जब आपने इसको पकड़ के देखना है हाथ में कि ये खुद ही हाथ से ऐसे टूट जाएगा बहुत अच्छी तरह से, बस इसको निकाल लेना बाहर। ये भी ज़्यादा से ज़्यादा एक मिनट के आसपास इसको आपने ब्राउन करना है, रोस्ट करना। अच्छा जी, अजान स्टार्ट हो गई थी तो इस वजह से मैं दिखा नहीं सकी। इस पॉइंट पे आके मैंने इनको बाहर निकाल लिया, ये बर्न नहीं हुआ, ये इसका कुछ लगा होता है, ये अभी मैं इसको उतार दूँगी, अभी गर्म है तो मैं इसको उतार दूँगी। ये देखें कहाँ गया,
एक हाथ से उतरना भी नहीं है जनाब ने। ये देखिए ये मैंने उतार दिया उसका ये होल ऊपर से। तो मैंने ये ऐड कर दिए थे काले चने भुने हुए, अब इनको निकाल के बाकी जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं सभी कर लूँगी बारी बारी। सौंफ जो है आप लोगों को पता है नज़र के लिए बहुत ज़रूरी है, और आजकल बच्चे जैसे टैब बहुत यूज़ करते हैं, गेम्स वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हैं, फिर पढ़ाई भी इन्होंने माशाल्लाह करनी होती है, तो ये इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो जो भी मदर जो नहीं बच्चों को ये चीज़ खिलाती, सो प्लीज़ आप लोग ये ज़रूर अपनी लाइफ में इसको ऐड करें, स्पेशली बच्चों के लिए, आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है ये, लेकिन बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कोशिश करें अगर आप कोई भी पंजीरी बना के देती हैं, हलवा सादा देती हैं बना के, तो इसका पाउडर उसमें मिक्स कर दें, तो ये बहुत ज़रूरी है। ये वाली जो दाल है ना ये स्पेशली लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छी है, और बच्चों के लिए भी और जेंट्स के लिए भी, सबको पता होगा लेकिन मुझे अब पता चल रहा है। सो ये आपकी जो नी में पेन है, नी पेन के लिए बहुत अच्छी है, बैकबोन के लिए बहुत अच्छी है, जिनको कमर का दर्द रहता है और टांगों में दर्द रहती है, ये उन सब के लिए बहुत अच्छी है। सो मैं ये अब लास्ट टाइम भी मैंने ऐड करी थी बेकिंग थोड़ी सी करी थी, अब मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा ले लिया है कि मैं इसको भी ज़रूर ऐड करूँगी बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अच्छा जी, बॉल्स बना रही थी मैं अलसी के, और वो छोड़ के मुझे तो बच्चों का टाइम हो गया था, बच्चे कोर्स के लिए आते हैं तो उनको लेने आई हूँ। तो बस बच्चे लेते हैं तो फिर तमाम से शक्ल है, तो बस बच्चों को लेते हैं और वापस चलते हैं। फिर उसको ड्राई करने के बाद मैं वन बाय वन इनका पाउडर बना लूँगी, पाउडर बनाने के बाद मैं आप लोगों को बताऊँगी, अब दिखाऊँगी, बिकॉज अभी से मुझे लग रहा है वीडियो बहुत लॉन्ग होती जा रही है। सो एट द एंड मैं आपको इन सब का दिखाती हूँ पाउडर बना के, और एक ही इसको कंटेनर में या बाउल में डाल के उसके बाद अब आपको दिखाती हूँ। ये ड्राई फ्रूट्स हैं, सो गाइस दिस इज द फाइनल लुक, यू कैन सी माशाल्लाह जबरदस्त बन गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं बॉल्स बनाते हुए मेरी बस हो जाती है, फिर बस मैं कहती हूँ इनको जितनी जल्दी हो सके बाइंड करके और बस छोड़ दूँ। सो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।